नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। उससे पहले एक बड़ी खबर जो कि अभी अभी की ब्रेकिंग आ रही है। केरल के कोची के कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए हैं और इस धमाके में एक महिला की मौत हो जाने की खबर है। वहीं 24-25 से अधिक लोगों के घायल हो जाने की जानकारी मिल रही है। बताते चले कि चश्मदीदों का कहना है कि एक के बाद एक लगातार यहां पर 3 ब्लास्ट हुए हैं। बताते चलें कि इस हॉल में ईसाई भाईचारे की प्रार्थना सभा चल रही थी जिस दौरान ये ब्लास्ट हुए हैं। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। अगली खबर, इंदौर में सरकारी अस्पताल में मेडिकल के छात्रों के द्वारा एक मरीज को थप्पड़ मारने की है। वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमीरपुर जिला के नादौन में 3-5 नवंबर तक एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में प्रशासन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, नेशनल टीम्स भी है, लोकल टीम्स भी है, इसका आयोजन 3-5 नवंबर के बीच में किया जा रहा है और इंडिया राफ्टिंग फाउंडेशन इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रदेश को दे रहा है। ये राफ्टिंग चैंपियनशिप पहले सितंबर के एंड में होनी थी लेकिन आपदा के चलते इसको डिले किया गया और अभी नवंबर फर्स्ट वीक में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हम इसमें कल्चरल इवेंट्स भी इसमें आयोजित करेंगे ताकि एक जो पर्यटन है उसको एक्टिविटी की दृष्टि से भी और संस्कृति की दृष्टि से भी दोनों तरीके से लोगों को दिखाया जा सके कि हमारा जो हमीरपुर का क्षेत्र है वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू करते हुए सरकारी कामकाज से लेकर तमाम विकास कार्यों के निष्पादन को पेपरलेस करने का फैसला लिया है। ऐसा उन्होंने वृक्ष बचाने को लेकर फैसला लिया है ताकि पर्यावरण बचा रहे और वातावरण शुद्ध रहे। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार जो सभी जो कार्यालय हैं फील्ड स्तर पे उनको ई ऑफिस के माध्यम से सभी जो फाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डील करने के आदेश हुए और उसके अंतर्गत हमारे जिला में जो डीसी ऑफिस है उसकी सभी ब्रांचेस को पूर्ण तरह ई ऑफिस पे लाया गया है और जो फाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डील हों और जो हमारी मैनुअल फाइल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। एसपी ऑफिस जो है वो डीआरडीए ये ई ऑफिस प्रणाली पे आ गए हैं जिसमें मैक्सिमम फाइल्स जो हैं वो ई ऑफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली जा रही हैं। इस के माध्यम से एक तो पेपर की बचत हो रही है, दूसरा जो रिकॉर्ड है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो सुरक्षित रहेगा और कोई रिकॉर्ड खोने की आशंका इस सिस्टम में नहीं है। तो एक वो बेहतर सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑफिस रिकॉर्ड है उसको अच्छी तरह रखा जा सकता है और कार्य का निष्पादन भी तेज होगा। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव कल देर शाम संपन्न हो गया। इस मौके पर क्या कुछ खास रहा ये आप भी देखें। स्पेशली जो आज स्टार नाइट के लिए अमृत मान को जो कि पंजाबी सिंगर है उनको बुलाया गया है। यहाँ युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं
और ये दिखाता है कि जो हिमाचल पंजाब एक साझा संस्कृति को कैरी करते हैं और उस संस्कृति का पोंटा में कितना प्रभाव है ये आज की नाइट में देखने को मिलता है। तो बाहर से कुछ पंजाबी कलाकार भी आए हैं, साथ ही साथ हिमाचली प्रतिभाओं को भी पूरा मौका मिला है और बहुत अच्छे से आयोजन हुआ है, शांतिपूर्ण। चंबा जिला की रावी नदी निरंतर प्रदूषित होती जा रही है, लेकिन इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए जा सके, यह कहना है स्थानीय लोगों का। आप देखें इस वीडियो को और समझें इसकी गहराई को। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अनूठी पहल, सांसद भारत दर्शन योजना के दूसरे संस्करण में 21 छात्रों व 2 अध्यापकों का दल गुजरात भ्रमण पर पहुंचा है। कुल्लू पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू, सुनिए क्या कहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं दशहरे के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और दशहरे का ये त्योहार हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, विशेष तौर से जब कुल्लू दशहरे की अगर बात होती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व है और सबसे बड़ी बात है कि एक इस त्योहार के साथ बहुत सारे लोगों का एक व्यवसाय के साथ भी, जिसको कह सकता हूं मैं, वो भी जुड़ा हुआ विषय है, बहुत बड़ा एक हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी दे नाल ही पाओ 5,000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन, इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर। करवा चौथ के लिए हिमाचल के बाजार सज गए हैं, खरीदारी कर रही हैं महिलाएं, देखिए किस प्रकार की रौनक लगी है हिमाचल के बाजारों में। ऊना से खबर है, टैंकर और कार की भीषण टक्कर हुई है, ऊना के डंगोली का यह मामला है जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सोलन बाजार में करवा चौथ के लिए खरीदारी करती महिलाएं, क्या कहना है व्यापारियों का, ऑनलाइन व्यापार के कारण कितना असर पड़ा है इन दुकानदारों पर। कंपटीशन पे उतारू हुआ है, नहीं काम ठीक है, काम बढ़िया, कोरोना के बाद अब इस साल काम ठीक है, सारे त्योहार अच्छे निकल रहे हैं, नहीं राखी भी अच्छी थी, अब करवा भी अच्छा है और आगे भगवान की दया रही बात सुनी तो दिवाली भी बहुत अच्छी जाएगी। हाँ नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे अभी ये जो बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से देखो किसी के पास प्रॉब्लम है, तो चल रहा है काम ठीक है। आपका नाम है? मेरा वंदना, रुद्रा ट्वाइस, चौक बाजार सोलन। स्वस्थिका हेल्थी लाइफ का मल्टी SL जूनियर, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, विटामिन D3 विथ DHA ड्रॉप्स, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, बच्चों के लिए कॉम्प्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है जो बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, बच्चे का बेहतर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, पुअर आहार, कुछ बीमारियों के कारण विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डी को मजबूत बनाए रखने व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देर किस बात की, आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 8528331980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। ऊना के अंतिम गांव का सच, अब बासिंदों ने MLA से लगाई है गुहार। बता देते चलें कि ऊना के अंतिम गांव घगरेट के सड़क का बहुत बुरा हाल है, पहुंच मार्ग पर इतने पत्थर हैं जिसके कारण स्थानीय निवासी बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं, देखें वीडियो। लोकसभा चुनावों पर रणनीति तैयार कर रहे हैं युवा कांग्रेस का नया प्लान क्या है, युवा कांग्रेस महासचिव विनीत कंबोज ने क्या कुछ कहा है मीडिया से रूबरू होते, ये आप भी देखें। ताकि इस देश के अंदर बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से लड़ाई और खासतौर पर
बेरोजगारी पिछले 9 साढ़े 9 सालों में आई है। बेरोजगारी की संख्या पिछले 47 से 50 सालों में सबसे ज्यादा है देश के अंदर। और युवा पढ़ाई करने के बाद उस तरीके के रोजगार नहीं मिल पा रहे युवाओं को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे बिजनेस की बात कर लें, काफी दिक्कत में युवाओं को। जो 18 साल की उम्र में रोजगार मिला था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21 साल से 18 साल उम्र की थी युवाओं को, 18 साल का युवा अपना वोट दे सके और अपनी खुद की सरकार बना सके और इस देश को नई दिशा दे सके। तो उसके लिए आज कांग्रेस यहाँ मत करने जा रहा है पहला वोट को। कब तक ये चलने वाला है केंद्र? इतने का वोट वाला इलेक्शन तक चलेगा ना, वोट वाला इलेक्शन के लिए। आपकी यहाँ पे आज मीटिंग थी तो किन मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन हुई, क्या मंथन किया गया? आज जो हमारी मीटिंग थी जो आने वाले वोट वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए हमने ये मीटिंग रखी गई है। काफी लंबे समय बाद ये मीटिंग होगी और पूरी प्रदेश के अंदर आपदा आने के बाद हम अपनी प्रदेश कार्यकाल की मीटिंग कर पाए थे। कभी उनके बारे में हमने मीटिंग लेगी युवा साथियों ने अपने लेवल पर काफी उन्होंने आपदा में भी लोगों का सहयोग किया। जैसा आप लोगों को पता है 5 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके अंदर यूथ कांग्रेस का क्या रोल है, हमारी थोड़ी इंटरनल मीटिंग थी किस तरीके से नए युवाओं को जोड़ा जाए और जो हमारे सरकार की उपलब्धियां किस तरीके से लोगों तक लेके जाए। इस प्रकार की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।